हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पैरालिसिस अटैक के तुरंत बाद ये काम करें जिससे रोगी की जान बच सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र और बिगड़ते लाइफस्टाइल के कारण लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। 50 की उम्र में लोगों को लकवा मारने का सबसे ज़्यादा डर होता है। पैरालिसिस के नाम से पहचानी जाने वाली लकवा मारने की समस्या वैसे तो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होती है, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण लोगों को यह समस्या कम उम्र में भी हो जाती है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण यह समस्या हो जाती। लकवा मारने पर इंसान के शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अगर समय रहते रोगी का इलाज कर दिया जाए तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि लकवा मारने पर तुरंत क्या उपाय करने से रोगी को इस समस्या से बचाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि लकवा मारने पर तुरंत क्या उपाय करें। नंबर 1, तिल का तेल। दोस्तों, पैरालिसिस अटैक आने पर मरीज को तुरंत 100 मिलीलीटर तिल के तेल को गर्म करके खिलाएं और उसके बाद 5 से 6 लहसुन की कलियां चबाने के लिए दें। इसके बाद उसके अटैक वाले हिस्से को तेल में काली मिर्च पकाकर वहां की मालिश करें। ऐसा करने से आपको फायदा जरूर होगा। नंबर 2, शहद और लहसुन। अटैक आने के बाद मरीज को तुरंत शहद और लहसुन मिलाकर चटाएं। ऐसा करने से प्रभावित अंग स्वस्थ हो जाएंगे। लकवा मारने के कुछ दिनों तक मरीज को इसका सेवन कराते रहें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि पैरालिसिस अटैक के तुरंत बाद करें ये काम जिससे रोगी की जान भी बच सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।